नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपनी चैनल फैंटेसी दुनिया में। गाइस, वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बुगाटी टिटैन का मैच जो खेला जाएगा कोलेटा वर्सेस द विजन शिपिंग के बीच। गाइस, वीडियो इन शॉर्ट होंगे बट होंगे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, काइंडली अंत तक वीडियो देखना। एक गाइस आप बोल सकते हो ना बराबर वाला मैच है, क्योंकि ना कोलेटा टीवीएस दोनों गाइस रैंक फोर्थ एंड रैंक फिफ्थ है। ये क्वार्टर फाइनल फोर्थ होने वाला है। हम लोग इन डेप्थ एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं, लाइक करके स्टार्ट रखना। एंड फ्यूचर में अगर आपको डोमेस्टिक खेलना है जैसे कि बुगाटी हो गया या फिर पंडिचेरी हो गया या फिर ECS के मैचेस, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड इंटरनेशनल के फाइनल अपडेट एक्सिट 22 बाई सेल पिक्स के लिए जुड़ जाना टेलीग्राम, इसके लिए डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन वाला लिंक यूज़ कर सकते हो। और अगर लिंक काम नहीं किया तो सर्च @ लगा के टीम्स FDF कहीं पे गलती से भी स्पेस मत लगाना। आता हूँ मैं गाइस एनालिसिस में। 11:30 बजे इंडियन टाइम मैच स्टार्ट होने वाला है। बैटिंग फर्स्ट अब तक 9 बार विन किया और बैट सेकंड ने इस टूर्नामेंट में गाइस 10 बार विन कर चुका है। तो यहाँ पे कोई क्लियर गाइस आप डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाओगे दोनों में। तो यहाँ पे बैट फर्स्ट बैट सेकंड भी सेकंड में से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्व करना मैच में क्या हो सकता है। जो मुझे लग रहा है कि कोलेटा टीम थोड़ा स्ट्रांग है, क्योंकि इनके पास जो बैट्समैन है ना इन फॉर्म है। शिंटो जॉर्ज अच्छा खेला है, रंजित मणि कंसिस्टेंटली अच्छे खेल रहे हैं, हरी प्रसाद अच्छा गाइस इनको सपोर्ट कर रहा है। मतलब ये टीम अगर बैटिंग फर्स्ट करता है तो अच्छा बात है, चेजिंग में भी थोड़ा सा इजी विन कर सकता है। बट इनका फिनिशर अगर देखोगे तो शैम रमेश रहेंगे हिटिंग कराते हुए, बट इनको सपोर्ट करने लायक फिनिशर इनके पास थोड़े से मेरे हिसाब से तो कम दिख रहा है। कुछ बॉलर जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, वकास अली जट उनमें से एक होगा मेरे हिसाब से, दूसरा होगा शैम रमेश। एक प्लेयर जो मेरे हिसाब से क्लियर कट पंथ है वो है मंसूर KL, क्योंकि ना ये बंदा आपको डेथ में करते हुए दिखेगा। कंसिस्टेंटली टीम इनको बैक कर रहा है एज डेथ बॉलर, तो ये आपके लिए पंथ बन सकता है इस मैच में। अलोंग विथ KGS लेफ्ट आर्म चाइना मैन हमेशा यूजफुल होते हैं गाइस, साथ खास करके शॉर्टर फॉर्मेट में जहाँ पे इनको समझ के नहीं इनको गाइस खेलना पड़ता है सिचुएशन, मैच सिचुएशन के हिसाब से, जो हमेशा गाइस अटैकिंग खेलने के लिए फोर्स करता है। हरी प्रसाद विकी सेक्शन से आई थिंक फाइनेस्ट चॉइस रहेंगे। अपनिंग बॉलिंग मनप्रीत जकाती के पॉल, अगर मनप्रीत खेला, अब देखो यहाँ पे कोई अगर मगर नहीं करना है, इस मैच में मनप्रीत आपको 100% खेलते हुए दिखना तो चाहिए अगर बहुत ज़्यादा इनका इंजरी नहीं हुआ तो। मनप्रीत खेला तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बट डेथ में मंसूर शैम रमेश वकास अली जट कंसिस्टेंटली करा रहा है, ठीक है। इनका पास के T20 के रिकॉर्ड है जो बेसिकली बुगाटी T20 की है, चाहो तो रिव्यू कर सकते हो आप आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। जहाँ पे आपको मंसूर KL को ना एक मैच में बिना बॉलिंग करते हुए दिखाया तो इनका ओवर भी कट सकता है अगर मनप्रीत सिंह आया तो। TVS ध्यान देना, इनका बैटिंग ना इस सीरीज में चला नहीं। अब लास्ट मैच में ओपोनेंट को इन्होंने बहुत ही कम रन में ऑल आउट कर दिया था और उसके बाद ना बैटिंग में स्टिल 2 विकेट जल्दी गिरा था इनका, नदीम और जवाद घनी का। किसने संभाला इनिंग्स को? F. Dongaraon। अब ये जो बंदा है ना आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक तो रहेगा, बट जो इश्यू है ना इन्होंने एक ही इनिंग्स अच्छा खेला है उस मैच में, तो इस सीरीज में तो ये बन सकता है गाइस आपके लिए पंथ फ्लॉप प्लेयर, और इनको जनता लेंगे। बट आपको बैटिंग सेक्शन से प्लेयर जब लेना ही है तो इनको ले सकते हो, यहाँ पे इनको चेंजेस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। शाहबाज अली आपके लिए डिफॉल्ट पिक है, बट मैं मानता हूँ अगर बॉलिंग फर्स्ट हुआ तो ये डिफॉल्ट कैप्टन रहेंगे, बॉलिंग सेकंड में आप बिना कैप्टन भी बना जा सकते हो इनको। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बॉलिंग फर्स्ट डिफॉल्ट कैप्टन, बॉलिंग सेकंड बिना कैप्टन जा सकते हो। वाहिद अहमद जीजू शमशुद्दीन एक एक मैच में बैटिंग मिला है इनको, अब दोनों अच्छे प्लेयर है मेरे हिसाब से। अगर बैटिंग फर्स्ट हुआ तो जीजू मेरी टीम का तो पंथ पिक बनेगा, आपका पता नहीं है बट मैं जरूर इनको बैक करने वाला हूँ, ठीक है। तो जरूर आप ट्राई करना किसको, जीजू को। फयाज अहमद इस टीम से मेरे हिसाब से तो प्रमुख बॉलर है और मेरे हिसाब से मेरी टीम का तो प्रमुख प्लेयर भी रहेंगे। इराद अली बॉलिंग फर्स्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, जरूर ट्राई करना। आसिफ कमाल पंत बन सकता है स्पेशली वाइल ही बॉलिंग फर्स्ट। गाइस ओपनिंग बॉलिंग इस टीम से इराद अली, मोहम्मद नदीम, शाहबाज अली करेंगे। डेथ में S. Maulook, शाहबाज अली, इराद अली करते हुए आपको दिख सकता है। गाइस मैं एक चीज ऐड करना मिस कर गया शायद, इस टीम से ना कौन सा वाला टीम, ये वाला टीम है जो है COL, इनसे ना असीम कमाल, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ गाइस, ये जो बंदा होगा ना, कहाँ गया भाई, असीम कमाल, सॉरी यार इस टीम से, ठीक है। तो असीम कमाल मेरे हिसाब से ना अगर बॉलिंग फर्स्ट हुआ ना जेल पिक बनेगा, इनको सब इग्नोर करेंगे जो मुझे लग रहा है, बट आप इनको ट्राई कर सकते हो। बट ये ना ऑलराउंडर सेक्शन में थे, ऑलराउंडर है नहीं, बॉलिंग ही कराएंगे, बट बॉलिंग फर्स्ट असीम कमाल कर सकता है, क्योंकि बंदा ना डेथ में बॉलिंग करेगा। और TVS का जो स्ट्रांग पॉइंट है ना वो है इनका बॉलिंग यूनिट, वहीं पे इनके ओपोनेंट का स्ट्रांग पॉइंट है इनका बैटिंग यूनिट। बट कोलेटा का बॉलिंग में से कुछ प्लेयर्स अच्छा खेल रहा है, बट इनका जो TVS का बैटिंग यूनिट है इनका बहुत ज़्यादा वीक है। तो गेम
बराबर बनेगा अगर टीवीएस ने पहले इनिंग्स में बॉलिंग किया। गेम वन साइडेड बन सकता है अगर पहले इनिंग्स में कोलाटा ने बॉलिंग किया, क्योंकि टीवीएस का बैटिंग बहुत वीक है। ये रहेगा फिलहाल टीम, जहाँ पे मैंने क्या किया, दो टीम मैंने क्रिएट किया। अब देखो समझो, मैंने दो टीम अलग अलग मोटिव से क्रिएट किया। यहाँ पे इजी चेज हो जाएगा सोचते हुए मैंने टीम क्रिएट किया। फयाज़ है, एसएलई है, यहाँ पे के जियास है, वकस जट है, एम सिंह है हमारे पास जो खेलेंगे मुझे लग रहा है, शिंटो जॉर्ज, एफ डोंगरागन, जीजू, इनका बैटिंग फर्स्ट होगा, कम रन बनाएगा। फयाज को एक विकेट मिलने वाला है, शाबाश मिडल ऑर्डर में रन बनाएगा, ये सोचते मैंने टीम बनाया और इजी चेज हो जाएगा। शैम रमेश बिकॉज डेथ बॉलिंग करा रहा है, हिटिंग करा सकता है, मैंने रख लिया कैप्टन वाइस कैप्टन में। यहाँ पे एक और टीम है जहाँ पे मैं मानता हूँ इनका बॉलिंग फर्स्ट है, तो मैंने शैम को कैप्टन बनाया, रंजीत मनी को टर्म में लिया, वकस जट हमारे पास, इराद अली है, एम सिंह है, फियाज विजी है, क्योंकि इन्होंने बॉलिंग फर्स्ट करना है तो अच्छा खेलना है। गैस एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, इनका बैटिंग में जितना स्कोर आया ना सब बैटिंग फर्स्ट आया, ये भी एक बात है कि इनको कैप्टन बनाना सेकंड इनिंग्स में कितना सही होगा, बट हाँ बंदा अगर डेथ करता है तो विकेट मिलेगा। फयाज गैस बहुत ही अच्छे बॉलर है, बॉलिंग फर्स्ट मेरे सबसे बढ़िया कैप्टन पिक होंगे, कैप्टन भी बना सकते हो बॉलिंग फर्स्ट, ये हिटिंग भी करा सकता है लोअर ऑर्डर में। जीजू को मैंने फिलहाल बैक कर रहा हूँ अपनी टीम में, आप चाहो तो यहाँ पे जीजू की जगह किसी और टॉप ऑर्डर बैट्समैन को ले सकते हो, जो आइडियली लॉजिकली बहुत ज़्यादा सेफ ऑप्शन है, जरूर ट्राई करना। ये रहेगा मेरा टीम टू, ये रहेगा फिलहाल मेरा इस मैच का अपडेट। इस टीम पे मैंने देखो इराद अली को लिया, क्योंकि खुदा ना खास्ता ये डेथ में आ जाए तो ले लिया। असीम कुमार को जरूर ट्राई करना है, बढ़िया प्लेयर है। ये रहेगा फिलहाल अपडेट इस मैच का, इस मैच का और फ्यूचर मैचेस का अपडेट डेमो टीम वगैरह टेलीग्राम पे आ जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, थैंक यू, मिलते हैं मैच टाइम पे।